बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और अच्छे तरीके से अपना काम लिख भी रहे होंगे, याद भी कर रहे होंगे। आज हम अपना क्लास टू का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। सब्जेक्ट है हमारा कंप्यूटर, टॉपिक है टेकिंग केयर ऑफ कंप्यूटर। इस वाले टॉपिक में भी हम लेक्चर में भी हम लोग टेकिंग केयर ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हैं कि हम लोग कंप्यूटर को किस तरह टेक केयर कर सकते हैं और साथ में कंप्यूटर से हम किस तरह बच सकते हैं, किस तरह हम लोग अपनी आई साइट वगैरह का ख्याल रख सकते हैं, इस बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस करते हैं। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको लोगों की रीडिंग स्टार्ट हो रही है। शट डाउन योर कंप्यूटर प्रॉपरली, कि आप लोगों ने अपना कंप्यूटर है जो अच्छे तरीके से पहले शट डाउन कर लेना है। कवर योर कंप्यूटर व्हेन यू आर नॉट यूजिंग इट, जब आप लोगों ने अपना कंप्यूटर यूज़ नहीं कर रहे तो आप लोगों ने उसको कवर करके रखना है ताकि उस पर कोई भी डस्ट या डर्ट वगैरह ना पड़े। ठीक है, और आपने रोज़ उसकी डस्टिंग वगैरह भी करनी है ताकि आपका जो कंप्यूटर जो है वो साफ़ सुथरा रहे और डर्ट की वजह से उसकी फंक्शंस जो हैं वो ख़राब ना हों। टेकिंग केयर ऑफ यू वाइल यूजिंग कंप्यूटर, कि आप लोग कंप्यूटर यूज़ करते हुए किस तरह ख्याल कर सकते हो, अपना किस तरह ख्याल कर सकते हो। पहले आप लोगों ने पढ़ा था कि कंप्यूटर का हम लोगों ने किस तरह ख्याल करना है, उसको किस तरह हम लोगों ने रखना है साफ़ सुथरा, उसके ऊपर कोई चीज़ ना पड़ी हो। हम लोग कवर, जब भी हम लोग कंप्यूटर बंद करें, शट डाउन करके प्रॉपरली बंद करें, बच्चों की पहुँच से दूर रखें, सारा कुछ हमने डिस्कस किया था ना। अब हम लोगों ने पढ़ना है कि हम लोग अपनी केयर किस तरह कर सकते हैं कंप्यूटर यूज़ करते हुए। तो वो देखें, फर्स्ट है स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन कंप्यूटर इज़ अनहेल्दी। अगर आप लोग कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं और काफ़ी देर के लिए यूज़ किया आपने, नॉन स्टॉप 3-4 घंटे आप लोग यूज़ करते जा रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, कुछ भी आप लोग कर रहे हैं अपने कंप्यूटर के अंदर, तो वो बहुत ज़्यादा अनहेल्दी है आपकी आइज़ के लिए। आपकी नज़र वीक हो सकती है, आपको हेडेक हो सकता है, आपको बैक पेन हो सकती है, आपके हैंड जो है उधर पेन हो सकती है क्योंकि आप मुसलसल गेम वगैरह खेल रहे होते हो। तो ये आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अनहेल्दी है अगर आप लोग बहुत ज़्यादा टाइम अपने कंप्यूटर को देते हो, या सिर्फ कंप्यूटर को ही नहीं, जो आपके पास जो आपका टैबलेट है, अगर आप लोग टैब्स यूज़ कर रहे हो या आप लोग अपने कोई मोबाइल वगैरह यूज़ कर रहे हो, तो वो भी अनहेल्दी है आप लोगों की बॉडी के लिए। कीप योर फेस एटलीस्ट 2 feet अवे फ्रॉम द स्क्रीन ऑफ मोनिटर। आपको चाहिए कि जब भी कंप्यूटर स्क्रीन यूज़ करें तो आप लोग 2 feet दूर होकर उससे बैठें। जब भी आप लोगों ने अपनी कंप्यूटर स्क्रीन ऑन की हुई है तो आप लोगों ने 2 feet दूर होकर बैठना है ताकि आप लोगों की आई सेट जो है वो वीक ना हो। इस तरह अगर आप लोग बहुत करीब रख के अपना गेम्स वगैरह या कोई भी लेक्चर्स वगैरह देखते हैं तो इससे आप लोगों की आई सेट वीक हो सकती है आपके, मैंने भी आपको बताया जैसे आपकी बॉडी में पेन हो सकता है। तो इसलिए आपको चाहिए कि आप लोग इस तरह कंप्यूटर बहुत ज़्यादा क्लोज होके ना दिखें, थोड़ा दूर होके देखें अपने कंप्यूटर। जैसे अगर आप लोग इस पिक्चर में देखें तो ये वाले जो आदमी बैठा हुआ है ये थोड़ा कर्व में बैठा हुआ है, तो कभी भी आपने अपनी चेयर में इस तरह नहीं बैठना। ठीक है, आप लोगों ने हमेशा सिट स्ट्रेट होकर बैठना, आपकी कमर जो हो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। बैठने से पहले अपना पोस्चर जो होता है वो लाजमी देखा करें कि आप लोग लेट के कंप्यूटर कभी यूज़ नहीं करना, ना लेट के मोबाइल यूज़ करना है या ना लेट के टैब यूज़ करना है। हमेशा स्क्रीन चेयर पर बैठ के अपने कंप्यूटर यूज़ किया करें, देन आप लोग अपना बाकी जो भी आपने काम करना है तो जल्दी जल्दी 30 मिनट्स के अंदर अंदर अपना काम जो है कंप्लीट कर लिया करें, वरना उसमें थोड़ा रेस्ट दिया करें उसके बाद 30 मिनट्स के लिए। अगर ज़्यादा काम है तो आप लोग 30 मिनट्स अगेन थोड़ा रेस्ट के बाद भी यूज़ कर सकते हैं कंप्यूटर। ठीक है, यहाँ तक आपकी रीडिंग कंप्लीट है। अब इस वाली जो हमने रीडिंग की है इसके पहले क्वेश्चन आंसर्स देख स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में आपके क्वेश्चन आंसर्स नहीं है, फिलिंग द ब्लैंक्स हैं। तो फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक है आपकी, स्पेंडिंग मच टाइम ऑन कंप्यूटर इज अनहेल्दी। शट डाउन योर कंप्यूटर प्रॉपरली, डोंट यूज़ योर कंप्यूटर ऑन बेड, कि कभी भी आपने बेड के ऊपर अपने कंप्यूटर यूज़ नहीं करना। कीप योर कंप्यूटर वायरस फ्री, कि आप लोगों ने हमेशा एंटीवायरस जो है वो अपने कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड करके रखना है ताकि वो वायरस से फ्री रहे। डोंट ईट और ड्रिंक नियर योर कंप्यूटर, कुछ भी आप लोगों ने अपने कंप्यूटर के पास खाना पीना नहीं है। कीप योर कंप्यूटर अवे फ्रॉम सनलाइट, आप लोगों ने डायरेक्ट जो सनलाइट होती है उससे अपने कंप्यूटर को दूर रखना है, इससे आपका कंप्यूटर जो है वो डैमेज होने का खतरा हो सकता है क्योंकि उसमें से रेडिएशन निकलती है ना, तो उससे आपका कंप्यूटर जो होता है वो हीटअप होकर ख़राब हो सकता है। नेक्स्ट देखें, आपके पास आते हैं MCQs। फर्स्ट MCQs है, ऑलवेज कीप योर कंप्यूटर इन अ क्लीन
डैश एंड ड्राई प्लेस, तो इसका ट्रू ऑप्शन जो है वो कूल है। अब जो आपके पास जो हाईलाइटेड वर्ड्स है ना, जो आपको बोर्ड लेटर्स नजर आ रहे हैं, ये सारे वर्ड्स ट्रू ऑप्शंस हैं आपकी। तो आप लोगों की जो ब्लैंक्स भी थी उसमें भी जो हाईलाइटेड वर्ड्स थे वो उसकी ट्रू ऑप्शंस थी, और एमसीक्यूज के जो भी ये हाईलाइटेड वर्ड्स हैं ये इसकी ट्रू ऑप्शंस हैं। कीप योर कंप्यूटर अवे फ्रॉम सनलाइट, नेवर यूज योर कंप्यूटर विदाउट परमिशन ऑफ योर एल्डर्स, ऑलवेज कॉल एंड टू फिक्स द प्रॉब्लम ऑफ योर कंप्यूटर, कीप योर कंप्यूटर वायरस फ्री। क्लियर, उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आप लोगों ने सारा काम जो मैंने आपको करवाया इसको अपने अच्छे तरीके से अपनी कॉपी के ऊपर उतार लेना। अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।